हेलो। हाँ वह फोन क्यों काट के भाग जाते हो यार बार बार? नहीं नहीं भागा नहीं था, वो एक आदमी था। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं भाई? मुझे खाली इतना जानना है। अरे सुनो नसीम भाई, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे अल्लाह के नबी की तमाम सीरत, कोई भी आसार, कोई भी हदीस एक ऐसी पेश कर दीजिए कि अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी में वो किसी नेक औलिया दरगाह पीर बाबा आस्थाना मजार पर गए हों। अगर वो गए थे, आपसे अगर साबित है जाना, तो इंशाअल्लाह हम भी जाएंगे, हाजिरी देंगे। लेकिन अगर भाई वो नहीं गए थे, तो दुनिया चाहे ईंट और पत्थर एक कर दे, हम मस्जिद के अलावा कहीं किसी दरगाह मजार पे हम कभी नहीं जाने वाले। अच्छा ठीक है, बस सारी मेरे भाई आयतों को हटा के, तमाम मेरे भाई सहाबा को हटा के, सिर्फ अल्लाह के नबी का एक अमल पेश कर दीजिए, बस जो हमारे नबी करेंगे वो हम करेंगे। जो सहाबा करेंगे उन्हें करेंगे। अरे तो जो नबी करेंगे वही तो सब भाई वो सहाबा इकराम ने किया होगा। बस किया होगा अफसू खान। अरे तो क्या अपनी अकल से कह दूं कि नहीं उन्होंने, क्या मतलब वो नबी को उलट अमल कर लिया? माशाल्लाह तो बोलते हैं ना किया होगा अफसू खान। ठीक है आप सुनिए मेरा, तो होगा ना मेरे भाई? उन्होंने भाई, चलो तुम सहाबा से ही बता दो, चलो तुम सहाबा से बता दो कि कौन से सहाबा दरगाह मजार आस्थाने पे गए। आप फरिश्तों पर ईमान लाए हैं कि नहीं? आप मेरे भाई दरगाह से आपको मैं भागने नहीं दूंगा। भागने मत दीजिए, लेकिन हमारा भी जो बोलेंगे उसको थोड़ा बोलना होगा ना, बोलने में मजा आएगा। नहीं नहीं तो फरिश्ता बीच में कहाँ क्या है? अब आप कल को कह दोगे जो फरिश्ते लोग हैं वो लोग मेरे भाई वो जाते हैं दरगाह मजार पे, सुनो यार, उसमें शामिल होते हैं फरिश्ते, तो हम थोड़ी ना मान लेंगे। मेरा भी खाली अपना बोलने से नहीं होता क्लियर बात, ठीक है? आप फरिश्ते पर ईमान लाए हैं कि नहीं? भाई हम पूरे बरेलवी धर्म पे ईमान लाने के लिए कबूल हैं। बस एक दलील दे दीजिए कि अल्लाह के नबी या सहाबा इकराम या खुलफाए राशिदीन जो दरगाह मजार पे जाते थे, आप फरिश्तों पर ईमान लाए हैं या नहीं लाए हैं? बस है तो फरिश्तों पे तो ईमान नहीं है ना, वो तो बात की बात है, अभी बात करनी है मजार की। हदीस में पेश कर रहा हूँ, मान लेगा ना मजार जाने का सबूत? भाई मैं अल्लाह के नबी का अमल मांग रहा हूँ, सहाबा का अमल मांग रहा हूँ, तो आप फरिश्तों पे मांग रहे हो? ईमान नहीं लाया है क्या आप? अब फरिश्ते बीच में कहाँ जा गया? कल को तुम कहती थी जो फरिश्ते लोग हैं वो जाते हैं पीर बाबा की दरगाह पे मत्था टेकने, तो कोई ना मान लेंगे? तेरे को मैंने पकड़ लिया, ऐसा आदमी भेटा जाता है कि आप उससे बात करके निकल जाते हैं अफू खाना, तेरे को मैंने सरसी से पकड़ लिया है, भागने नहीं दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, फरिश्तों के मान है, चलो हम भी देखते हैं तुम कैसे पकड़ते हो हमको। हाँ फरिश्तों के मान है, ठीक है। पांचवा छठा सप्ताह कलमा जो भी सब कलमा पढ़े होंगे, क्या चीज जो भी हम लोग का कलमा है ना यार, पांचवा से लेकर छठा सत्रह आठवा तक जो भी कलमा कलमा है ना? अच्छा कलमा, हाँ कलमा की बात कर रहा हूँ। हाँ तो है फिर कलमा, तो चलो कलमा आप पढ़े तो उस पर है कि ना? ईमान लाया मैं अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, उसको फरिश्तों पर। अरे हाँ वो तो कुरान में भी है ना कि जो लोग भाई वो ईमान लाते हैं गैब पे, तो गैब में अल्लाह भी है, अल्लाह के फरिश्तों भी हैं, हम सब पे ईमान लाते हैं। ईमान लाते हैं, ईमान लाए भी है, लाते ना लाए हैं, ये बोलिए लाते हैं, कौन जमाना में लाएंगे ऐसा मत बोलिए, लाए हैं ये बोलिए, बोलिए लाए हैं क्या? हम पक्का दावा थोड़ी ना कर देंगे आप लोग की तरह जन्नती होने का, हम तो कहते हैं हम लाते हैं, हमारा ईमान है। नहीं नहीं है, अच्छा चल रहा आपको लाते हैं, हमारा है लाए हैं, ठीक है अल्लाह पर, इसलिए कि हम कलमा पढ़ चुके, आप लोग कलमा नहीं पढ़े हैं, इसलिए पता है कितना लाते हो, तभी तो दलील नहीं पेश कर पा रहे हो। बोलने तो दीजिए, आगे आप करके भाग जा रहे हैं नहीं, जिस बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जो लोग ईमान वाले हैं वो गैब पे ईमान लाते हैं, तो हम ईमान वाले हैं इसलिए हम लाते हैं, आप ईमान वाले नहीं है इसलिए कुछ आप लाए हैं, दोनों में फर्क है। अरे भाई तो हम को बोलने देगा कि फरिश्तों पे आप पूछ रहे थे, हाँ चलिए फरिश्तों पे भाई ईमान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर और उसके फरिश्तों पर, ठीक है ना? एक ऐसा जिन पे ईमान नहीं है आपका, और जिन पे आपका ईमान नहीं है, जिन पे सब पर ईमान है। हाँ तो बोलिए फिर, इससे क्या दीजिएगा ना, हम हमारा टॉपिक क्यों आप छीन लेते हैं? तो टॉपिक ये चल रहा था कि मुझे एक अमले अल्लाह के रसूल का या एक अमले सहाबा, मुझे ऐसा साबित कर दीजिए कि अल्लाह के नबी या कोई सहाबा इकराम वो मेरे भाई दरगाह मजार आस्थानों पे जाता था, वो हाजिरी देता था। अरे भाई ऐसे हाँ। अगर मेरे भाई बेकार बातें करोगे तो फायदा नहीं है बात, बेकार भाग गया ना, ऐसी तरह तू भागता है, गाली देने लगता है लास्ट में। अफू खान आज तेरे से प्यार से बात कर रहा हूँ भाई, मेरी एक गाली साबित कर दीजिएगा, आपकी नस्लें साफ कर दूंगा मैं।
एक डायरी साबित कर दीजिए। आज तेरे को भागने नहीं दूंगा, आज हमसे बात करो, बहस करो। अरे भाई तुम्हारे ऐसे जोकर लोग डेली फोन करते हैं, आता ना जाता, चुनौती आता। ईमान लाया मैंने अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसके फरिश्तों पर। 70,000 एक हदीस ऐसा है कि 70,000 फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्रे अनवर को घेरते हैं और उस पर दरूद व सलाम पेश करते हैं। हुजूर फरिश्तों जो जाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्रे अनवर पर और दरूद व सलाम पेश करते हैं, तो क्या वो लोग शिर्क करते हैं? तो मजार में जाकर दरूद व सलाम पेश करते हैं तो आप कौन है? फरिश्ते हैं माशाल्लाह। चलिए आज मेरी फरिश्ते से बात हो गई। दलील दे रहा हूँ यार, हमको ईमान है ना फरिश्तों पर। नहीं नहीं, आपको ईमान है फरिश्तों पे, तो फरिश्ते तो आसमान में भी होते हैं। फरिश्ते तो फरिश्ते तो अरे मेरे भाई, फरिश्ते तो आसमान में भी होते हैं। फरिश्ते तो मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत की बिल्कुल जितनी बताई करता हैं उसमें रहते हैं। तो आप भी बिल्कुल मतलब फरिश्ते हैं? अल्लाह तआला पर ईमान है कि नहीं? कर अल्लाह तआला कहाँ है भाई? पागल आगल हो क्या मेरे भाई? चरस चरस सुन के फोन करते हो? मैंने सरसी से पकड़ लिया। मैं सवाल कर रहा हूँ, आम का जवाब दे रहा हूँ, उम्मीद का। मैं पूछ रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने या साहबा इकराम ने अपनी तमाम जिंदगी में किसी दरगाह मजार आस्थाने पे वो हाजिरी देने गए? अगर वो देने गए तो इंशाल्लाह हम भी जाएंगे ना। अरे भाई साहब, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाए हैं कि नहीं? बस इसका मतलब माज अल्लाह, आपके कॉल के हिसाब से साहबा इकराम का फरिश्ते पे ईमान नहीं था। माशाल्लाह हम बोलेंगे, आपको बोलने का हक नहीं है यहाँ पे भाई। माशाल्लाह नहीं बोल रहा हूँ, माज अल्लाह बोल रहा हूँ। आपको मेरे भाई के आपके कानपुर भाई आपके कानपुर में हड़ताल हो गई है क्या? ईमान पर भरोसा, फरिश्तों पर ईमान लाए कि नहीं? साफ जवाब दीजिए। पांचवा छठा सातवा आठवां नवा कलमा जो भी होता है उस नाम मैंने भी भूल गया हूँ, लेकिन जो भी पांचवा छठा कलमा था इस कलमा पर आप ईमान लाए कि नहीं? बस साफ जवाब दीजिए हमको भाई। मुझे अमल बताएंगे कि नहीं आप? अमल हम बताए ना, सबूत कर दिए लड़का। फरिश्ता अल्लाह की जात में सिर करता है क्या? अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे मत बढ़ो और अपने अमाल को बर्बाद मत करो। तो इसका मतलब अल्लाह के, अल्लाह के नबी से आगे बढ़ रहे हो तुम लोग। फरिश्तों पे कयास करके तुम पीर बाबा और मेरे भाई मजारों पे हाजिरी देने जा रहे हो? तेरा ईमान के धज्जी तोड़ गया, तेरे को जवाब नहीं है तो जो सो आप बक रहे हैं, चलो हो गया। फरिश्ता तो आपकी रूह भी कब्ज करने का, आप क्या आप उसके ऊपर अमल कर लोगे कि आप भी जाओगे?